हेलो फ्रेंड्स, आपको बहुत ही दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि दुनिया भर को स्पाइडरमैन, आयरन मैन और द हल्क जैसे सुपर हीरोज़ की सौगात देने वाले स्टैनली का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कॉमिक बुक राइटर्स और एडिटर थे। उनके कॉमिक किरदारों की फिल्मों के जरिए भी पेश किया गया। स्टैनली की बेटी ने उनके निधन की जानकारी साझा की। हालांकि उन्होंने स्टैनली के निधन की वजह का जिक्र नहीं किया। स्टैनली का जन्म 28 दिसंबर 1922 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनकी बेटी जेसी ली ने कहा कि वे हमेशा कुछ नया करते रहने को अपने फैंस के प्रति एक दायित्व मानते थे। वे अपने जीवन से बहुत प्यार करते थे, साथ ही अपने काम से भी उन्हें बहुत लगाव था। उनके परिवार और उनके प्रशंसकों ने उन्हें हमेशा प्यार दिया। उनका कोई भी सानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ली ने सबसे पहले दुनिया को कॉमिक से परिचित कराया। ली से पहले डिटेक्टिव कॉमिक्स ने सुपरमैन लॉन्च किया था। ये 1938 की बात है। जहाँ तक स्टैनली की बात है, उन्होंने कॉमिक्स में जटिलताओं की परत चढ़ाई और इंसानियत की भावनाओं को उजागर किया। स्टैनली ने 2010 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सुपर हीरोज़ को जानना काफ़ी रोचक हो सकता है। उनकी पर्सनल लाइफ को जानना, उनके व्यक्तित्व को समझना एक अलग अनुभव होता है। किस तरीके से वे एक समय में ह्यूमन और दूसरे समय में सुपर हीरो बन जाते हैं, यह दिखाना अद्भुत होता है। हॉलीवुड ने भी स्टैनली के कैरेक्टर्स को फिल्मों के रूप में पेश किया है। ब्लैक पैंथर, द एवेंजर, थॉर, एंटमैन और स्पाइडरमैन और आयरन मैन जैसी फिल्में भी बनी हैं। इन सभी फिल्मों को दुनिया भर में काफ़ी पसंद किया गया। इन सभी फिल्मों ने खूब कमाई भी की। ये सारे किरदार बच्चों के प्रिय बन गए। आज स्टैनली हमारे बीच नहीं रहे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को सांत्वना मिले। स्टैनली, रेस्ट इन पीस। थैंक यू। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वंस अगेन, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोज़।